चारों ओर जल ही जल। ये तस्वीरें हैं राजस्थान की, उसी राजस्थान की जहां गर्मियों में जनता बूंद बूंद को तरसती है, लोग पानी के लिए मीलों लंबा सफर करते हैं। ये तस्वीरें उसी राजस्थान की है जहां इसी साल गर्मियों में पानी नहीं मिलने से तड़प तड़प कर एक बच्ची ने अपनी जान गंवा दी थी। कभी गर्मी तो कभी सर्दी का रिकॉर्ड बनाने वाले राजस्थान पर एक बार फिर कुदरत का कहर पानी बनकर बरस रहा है। चारों ओर जलमग्न की ये तस्वीरें धौलपुर की है, जहां आसमानी आफत अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही। रुक रुक कर हो रही बारिश से तीसरी बार पार्वती बांध लबालब हो गया, जिसके चलते बांध के दो गेट खोलकर 1175.82 क्यूसेक पानी रिलीज करना पड़ा। बांध से पानी रिलीज हुआ तो आसपास के गांव जलमग्न हो गए। उपखंड मुख्यालय से दर्जनों गांव का संपर्क कट चुका है। बांध से पार्वती नदी में छोड़े गए पानी से बसेड़ी, सेपऊ, मनिया और राजाखेड़ा इलाके के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। हाँ सर, बताएं पार्वती नदी के कितने गेट खोले गए? आज पार्वती के कैचमेंट एरिया में अच्छी बरसात हुई है, पानी की आवक हो चुकी है, इसलिए हमने वर्तमान दो गेट दो दो फुट में खोल दिए गए, जिसमें 2300 के लगभग डिस्चार्ज पास हो रहा है और पानी की आवक बढ़ेगी तो और भी गेट खुलने की संभावना है। वहीं ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी की रपटों पर चल रहे पानी से निकल रहे हैं। जिले में हो रही बारिश के चलते सभी बांध, एनीकट और नदियां उफान पर है। प्रशासन के समझाने के बावजूद भी लोग तालाब, पोखर और नदियों से दूरी नहीं बना रहे, जिसके कारण रविवार को दो लोगों की अलग अलग जगह डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को स्थानीय गोताखोरों की मदद से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। थाने पर जगह टेलीफोन सूचना मिली कि हीरापुर बांध की मोरी का पानी का जो बहाव है उसमें एक व्यक्ति गिर गया है और जिसकी डेड बॉडी मिल नहीं रही है। उप सूचना पर मन उप निरीक्षक सोहन सिंह उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए मौके पर पहुंचा। परिवारजन और ग्रामीणों के सहयोग से मृतक सुरेश जाटव निवासी हीरापुर की डेड बॉडी को पानी से बाहर निकलवाया और परिवारजन के साथ लेकर पंचायतनामा की आवश्यक कार्रवाई को हॉस्पिटल लेकर आए हैं। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि चंबल नदी के रौद्र रूप ने जिले सर मथुरा, बाड़ी, धौलपुर और राजाखेड़ा उपखंड इलाके के करीब 7 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन द्वारा SDRF की टीम को फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। राजस्थान तक के लिए धौलपुर से उमेश मिश्रा की रिपोर्ट।